हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। खास रिक्वेस्ट, एक आर्मी में काम करने वाले हैं ये, इंडिया के, हमारे कंट्री के, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है और कॉल भी आया मुझे। उन्होंने कहा कि ये सर कैसे होगा। हालांकि बहुत आसान है, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता भी हो। तो यहाँ पर देखिए, ये बैलेंस लिखा हुआ है। जो ये बैलेंस है, इसमें जो भी अमाउंट डालेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस का मतलब ये है कि जो यहाँ पर अमाउंट हो वो बैलेंस में जुड़ जाए। यानी 5000 यहाँ पर है और 5000 यहाँ पर है, तो ये 10000 हो जाए, ठीक है। और जो यहाँ पर अमाउंट हो वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाए। ये आसान है करना। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला क्या यूज करना है, हालांकि मैंने पहले ही यूज कर लिया। यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाइए, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इसका सेल एड्रेस आ जाएगा। यानी ए टू में ये है, आप जहां पर भी रखेंगे इसको, उसका सेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अब आप प्लस का निशान लगाइएगा, क्योंकि इसको प्लस करना, यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वो प्लस होनी चाहिए, तो ये प्लस कर दीजिए। बाकी यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यानी यहाँ सी, देखिए सी टू में जो वैल्यू होगी उसको माइनस करना है। तो अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, बस एंटर कर दीजिए, आपका काम हो गया। अब यहाँ पर जो भी चेंज करेंगे वो होता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हटा दिया मैंने 3000 कर दिया, ठीक है, तो ये देखिए 3000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1000 है, तो अगर 300 ही माइनस करते हैं तो 300 ही माइनस होगा। अब अगर यही प्रक्रिया आपको नीचे भी दोहरानी है, तो उतना एरिया में क्या करता हूं, Alt H B A, ये शॉर्टकट की है, Alt H B A, ये शॉर्टकट की से यहां पर बॉर्डर अपने आप लग जाता है। तो यहां पर आप वैल्यूज रखते जाइए और आंसर आपका आता चला जाएगा। कैसे, एक बार इसको यहां से पकड़िए, आपने फॉर्मूला यहां यूज कर ही लिया है, इसको ड्रैग करवा लीजिए, ये ड्रैग करवा लिया। अब देखिए यहां पर कमाल, यहां पर मान लीजिए आपने रखा 4000 रख दिया। अब यहां पर जो अमाउंट आए वो प्लस हो जाए, तो मान लीजिए यहां पर हम सिर्फ 200 ही रखना चाहते हैं, तो ये 200 रख दिया, तो 4000 में 200 प्लस हो गया। यहां पर अगर मैं जीरो रखता हूं तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं केवल खाली छोड़ देता हूं इसको, तो भी कुछ नहीं होगा, देखिए, ठीक है। अगर जीरो रख देते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो जीरो ही माइनस होगा इसमें से। अगर मान लीजिए 800 माइनस करना है तो यहां पे 800 कर दीजिए, ये होता चला जाएगा। जो भी अमाउंट यहां देंगे, जैसे अब यहां पर 6000 दे देता हूं और यहां से 3000 प्लस कर देता हूं और यहां से 2000 माइनस कर देता हूं, तो यहां पे 2000 माइनस भी कर दिया हमने, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ गया। तो ये होता चला जाएगा आसानी से, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात समझ में आई होगी। तो ये ऑटोमेटिकली सेट कर जाएगा, यही वो फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।